पिछले 2-3 दिन की मुसलसल बारिश से कल कोई 5:30 बजे के आसपास आपको पता है कि हमारा जो जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे वो पंथियाल के पास शूटिंग स्टोन मूवमेंट की वजह से बंद हो गया। और उसके बाद पूरी रात भर जो कल बारिश हुई और मॉर्निंग में और फोरनून में जो कंटिन्यूसली जो हैवी डाउनपोर हुआ उसकी वजह से पंथियाल के बाद कोई तकरीबन 29 ऐसी लोकेशंस थी जहाँ पर लैंडस्लाइड, शूटिंग स्टोन मूवमेंट और मड स्लश आया। और हमारा पूरा जो जो एफर्ट था रेस्टोरेशन ऑफ रोड क्लियरेंसेस का वो इम्पैक्ट हुआ। लेकिन विद द इम्प्रूवमेंट इन वेदर कंडीशंस और ख़ास तौर से जो हमारी मैन एंड मशीनरी डिप्लॉयड थी उनकी एफर्ट्स की वजह से हमने बारिश के दौरान भी जो है वो रोड क्लियरेंस के काम जो है वो जारी रखे। मेरे पास जो लेटेस्ट रिपोर्ट है उसमें यह है कि जो 30 जगहें थी जहाँ पर हमारा NH-44 इम्पैक्ट हुआ था उसमें से 25 जो है वो ग्रीन हो चुकी हैं, हमने उनको रिस्टोर किया है। अब कुछ ऐसी जगहें हैं जैसे कैफेटेरिया मोड़ है, शान पैलेस है, एक T2 केला मोड़ के पास एक जगह आती है और मरोग, ये हमारे एरियाज ऑफ कंसर्न है। आई हैव गॉट ए कमिटमेंट फ्रॉम दी NHAI कि लेट इन द नाइट दे विल ट्राई टू यू नो इंश्योर द रेस्टोरेशन ऑफ रूट्स फॉर दोज स्ट्रैंडेड पैसेंजर्स जो खास तौर से कल पंथियाल में थे। उनके लिए हमने और हमारी सब डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन ने अरेंजमेंट्स की थी उनको लॉजमेंट सेंटर्स में ले जाने की और उनको हमने फूड भी सर्व किया। इसके अलावा हमारा कम्युनिटी हॉल जो रामबन में और मैत्रा में उसको भी एक्टिवेट किया। डिस्ट्रिक्ट एंड पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन इज़ इन टच विद दी NHAI टू एंश्योर कि जो बाकी अब हमारी साइट्स जो हैं वो रेड हैं उन्हें भी हम ग्रीन करके रोड को रामबन डिस्ट्रिक्ट में थ्रू कर दें।